हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में फ्रांसीसी क्रांति। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को, वो भी एक कहानी के द्वारा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और समझते हैं फ्रांस में हुए रिवॉल्यूशन के बारे में। रिवॉल्यूशन क्या होता है, पहले हम इसी को जानते हैं। रिवॉल्यूशन वो होता है जब बहुत सारे लोग किसी पॉलिटिकल चेंज को लाने के लिए इकट्ठे होते हैं, और वो पॉलिटिकल चेंज बहुत ही शॉर्ट टाइम में आ जाता है, उसे हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। तो अभी हमने जाना रिवॉल्यूशन, तो अब वो क्यों ये रिवॉल्यूशन फ्रांस में हुआ, तो पहले हम इसको जानते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, उसको आप ध्यान से सुनना, तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर लोग रिवॉल्यूशन कर क्यों रहे थे। 14 जुलाई 1789 के दिन 7000 लोग अपने अपने हथियारों के साथ बाहर निकले हुए थे। वो बहुत गुस्से में थे, उनके हाथ में तरह तरह के हथियार थे। वो क्या कर रहे थे, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी उसको नुकसान पहुंचा रहे थे। उसी में से एक चीज थी बास्तिल का जेल, जिसमें वो सभी लोग घुसे और उन्होंने वहाँ के कमांडर को मारा, और जितने भी हमारे प्रिजनर्स थे उनको रिहा कराया। अब बात आते हैं कि लोगों ने बास्तिल जेल पर ही अटैक क्यों किया। वो इसलिए किया क्योंकि जो बास्तिल का जेल था वो राजा की निरंकुश शक्ति को बताता था। तो लोग उस जिले को, यानी कि उस जेल को तोड़कर अपना विरोध प्रदर्शित करना चाहते थे। अब ये लोग इतने गुस्से में क्यों थे, उसका मेन कारण था उनका अपना राजा, जिसने कभी अपनी प्रजा की तरफ ध्यान नहीं दिया, ना उनके कभी दुख मुसीबत को समझा। प्रजा इतने दुख में थी लेकिन फिर भी उसने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, वो अपने ऐशोराम में लगा रहा। जब पानी हद से ज़्यादा बढ़ गया, जब उनके मरने की नौबत आ गई, तब जाके लोगों ने रिवॉल्यूशन किया, अपने हक के लिए लड़ा। तो अब हम जानते हैं उस राजा के बारे में जिसके कारण वहाँ की प्रजा इतनी दुखी थी, वो कौन था। वो राजा था लुई XVI, जो 1774 में फ्रांस का राजा बना। उसकी 20 साल में ही शादी हो गई थी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से। अब वो जो लुई XVI था वो बर्बर फैमिली से भी बिलोंग करता था। अब जब ये राजा बना 1774 में, उस समय जो था सरकारी जो राजकोष था वो बिल्कुल खाली पड़ा था। खाली क्यों था, तो अब हम उनके रीजन पढ़ते हैं कि आखिर सरकारी जो धन था, सरकारी राजकोष था, वो कहाँ गया। तो उसके मेन थे ये 5 कारक, जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। आप सभी इनको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपके पेपर में आएंगे, वो भी 5 नंबर के। पहला कारण था प्रोलोंग्ड वार, कि वहाँ जो युद्ध थे बहुत लंबे समय से युद्ध हो रहे थे, और फ्रांस हर युद्ध में पार्टिसिपेट करता था। युद्ध में पार्टिसिपेट करने का मतलब है बहुत सारा धन खर्च करना, वेपन्स पर, आर्मी पर, अन्य चीज़ों पर बहुत सारा पैसा खर्च होता था। दूसरा था मेंटेनिंग प्लेस ऑफ वारसाय, कि वारसाय में इनका बहुत ही सुंदर एक महल था जिसकी मेंटेनेंस पर बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता था। वो महल इतना सुंदर था कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना सुंदर था, उसकी मेंटेनेंस पर बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता था। वो किस लिए, क्योंकि वो अपनी शान शौकत में ऐशोराम में ढूंढे रहते थे, उन्हें दिखावे का बहुत शौक था। तीसरा, अब क्या कारण था, पहले तो वॉर ही कर रहा था, फिर उसने जो बाहर सैन्य उसका महल था उसमें धन खर्च कर दिया। अब क्या हुआ कि अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज थी वो इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रही थी। फ्रांस ने क्या करा, अमेरिका की इन 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाने में उनकी हेल्प की। किसके खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ। अब देखो मदद कर रहा है, जब हम किसी देश की मदद करेंगे तो पैसे की तो जरूरत पड़ती है, तो वहाँ भी एक तरीके से पैसा खर्च हुआ। और जब इतना पैसा खर्च हुआ तो सरकार को तो पैसा फिर भी चाहिए, तो उसने क्या करा, उन लोगों को 10% इंटरेस्ट देना स्टार्ट किया।
जब सरकार 10% इंटरेस्ट अपने बजट में से देगी तो सोचो उनके उसके पास बचेगा ही क्या, उसका आधे ज़्यादा पैसा तो इंटरेस्ट देने में चला जाएगा। अब ये था कि सरकार के पास वहाँ से भी पैसा नहीं बच रहा था, फिर अदर खर्चे भी होते हैं, अदर चीज़ों पे भी खर्च होता है, जैसे एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, जो इंस्टीट्यूट होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, पोस्ट ऑफिस होते हैं, उनकी भी मेंटेनेंस पर खर्च होता है। तो धीरे धीरे क्या था, पैसा खर्च ही हो जा रहा था। अब लुई 16 को बहुत टेंशन हुई कि अब पैसा कहाँ से आए, तो उसने क्या करा, अलग अलग तरीके से टैक्स लगाना स्टार्ट किया। तो अब ये टैक्स किस पर लगते हैं और ये टैक्स लगाने पर क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो लोग थे वो गुस्सा क्यों थे, और वो जो उनके गुस्से का कारण था वो राजा कौन था, और जब वो राजा बना तो उस समय सरकारी राजकोष खाली क्यों था, उसके क्या कारण थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब हमें मिलेंगे इसके पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर को।